यदि उनको फिर वापस बुलाएंगे तो हम फिर वापस आएंगे। अब देखो सीधे 5 घंटे बैठ के सीधे उठ के आए हैं वहाँ पर, कंटिन्यूस बैठे हुए थे 5 घंटे। हाँ थोड़ा हो बासन बासन दे गए हैं। अब जिस चीज़ का जवाब 7-8 साल पहले दे दिया वो खाम गई उसको, और सब पत्रकारों का मतलब कर्जा चुका है उसके लिए पैसे दिए थे पत्रकारों के, 3 साल से 2 साल से पैसे बाकी थे, सेवानिवृत्ति के बेनिफिट्स दिए थे, अब उसको लेकर के हैं। हाँ बस हाँ है कि पूछता है, पॉलिटिकल स्टंट है। राज्य मंत्री महोदय आने वाली थी नहीं है ठीक तो करें शुरू करें। परम आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग, पधारे हुए सभी मीडिया के साथी बंधु, बोर्ड परिवार के समस्त सदस्य, मुझे आप सब के बीच में बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं का आखिरी परिणाम जो कि 10वीं का, सेकेंडरी का और प्रवेशिका का परिणाम है, वह आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से जारी हो रहा है। हम बोर्ड परिवार मंत्री महोदय के द्वारा इस का परिणाम जारी करने को लेकर अत्यंत हर्षित है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम परिणाम जारी करें, सर किसे क्लिक कर दें वहाँ जारी जाए, क्लिक कर दें कर दें हो गया दबा दें। ये किसी एक बच्चे का रिजल्ट जारी हुआ है। अब इसी प्रकार मैं आग्रह करूंगा मंत्री जी से कि ये जो परिणाम है इस परिणाम में किस प्रकार की प्रवृत्ति रही है बच्चों की, बच्चियों की, स्वयं पार्टी की, इस बारे में जो समरी है उसके बारे में और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। श्री पी के गोयल जी, एलएन मंत्री जी, सचिव महोदया मेघना जी और उपस्थित पत्रकार बंधुओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आज 13 जून को माध्यमिक व व्यावसायिक परीक्षा 2022 एवं प्रवेशिका परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें माध्यमिक व व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,92,524 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, इनमें से 10,59,072 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा 8,77,848 परीक्षार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 82.89% रहा। इसमें 4,67,490 छात्र तथा 4,10,358 छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 81.62% रहा तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.38% रहा। इसमें भी हमारी बेटियों ने बाजी मारी। नियमित परीक्षार्थी जो हैं वो 10,57,713 तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थी 1,359 प्रविष्ट हुए। इनका उत्तीर्णता प्रतिशत 82.95% रहा तथा स्वयं पाठियों का 31.13% रहा। इसी प्रकार प्रवेशिका परीक्षा में कुल 7,229 परीक्षार्थी जो है वो पंजीकृत थे, इसमें से 6,918 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए
4323 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 65.49% रहा। इसमें 2022 छात्र तथा 2301 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 58.52% तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 66.45% रहा। नियमित परीक्षार्थी 6917 तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी केवल इसमें एक प्रविष्ट हुआ था, इनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 62.48% व 100% रहा। वर्ष 2021 में माध्यमिक एवं व्यावसायिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम 99.56% रहा तथा प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम 99.41% रहा। मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2019 में इसी परीक्षा में, मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका परीक्षा परिणाम 79.85% था। 2020 में 80.63%, 2021 का कोविड कार्यकाल था, 2022 में 82.89% रहा। यानी पिछले 20 और 21 की तुलना में 2022 का परीक्षा परिणाम बढ़ा है, अच्छा रहा है। इसके लिए मैं सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं में अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप ऐच्छिक विषय लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा तो वो डॉक्टरी में साइंस बायोलॉजी लेगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा तो साइंस मैथमेटिक्स लेगा, कोई कॉमर्स में जाएगा तो कॉमर्स के विषय लेगा, और जो कला वर्ग में जाएगा वो कला वर्ग में इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो जो अपनी इच्छा का विषय है वो लेकर आगे बढ़ेगा। मैं उन तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि वे अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एलएन मंत्री जी का, जो हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष हैं, और सचिव महोदया का और पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक निश्चित समय में समय पर रिजल्ट दिए, समय पर परीक्षाएँ कराई और बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा परिणाम घोषित किए। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप आशीर्वाद। परम सम्मानीय मंत्री महोदय, बोर्ड के प्रशासक हमारे एलएन मंत्री जी, बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी जी, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे भाई और बहनों, जैसा कि भी आपने देखा कि माननीय मंत्री महोदय ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 10वीं की परीक्षा है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया, और मंत्री महोदय ने जैसा कि बताया कि जो रिजल्ट है उसमें पिछले वर्ष जब 1920 में लास्ट एग्जाम हुए थे प्री कोविड, उसकी तुलना में जो उत्तीर्ण प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुई है और उसमें भी लड़कियों ने ज़्यादा अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो मैं इसके लिए सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तो अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, वो पहले 2017 में जारी हुआ था, अभी 2021 में उसका एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसके परिणाम अभी केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशन में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं उसकी बदौलत हमारा राजस्थान इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में टॉप 3 स्टेट्स की कैटेगरी में है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें 3 कक्षाओं के परिणाम लिए जाते हैं, 4 कक्षाओं के, कक्षा 3, 5, 8 और 10। तो जो नेशनल एवरेज है 3 सब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट में और हर क्लास में हमारे बच्चों का जो अचीवमेंट है, प्राप्तांक है, वो राष्ट्रीय औसत से करीब 8 से 10% हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनकी शिक्षा में उत्तरोत्तर जो गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है उसका निश्चित रूप से ये इंडिकेटर है। और ये स्पष्ट है कि इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि इस जो एग्जाम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, राजस्थान सरकार नहीं करवाती। तो ये निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है,
और कोविड के बाद जो लर्निंग लॉसेज हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 साल में स्कूल्स लगभग लगभग बंद रही हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं, तो जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में 3 महीने के ब्रिज कोर्स की घोषणा की है। उसके साथ साथ माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में शिक्षा विभाग इस लर्निंग लॉस को कवर करने के लिए अनेक तरह के प्रोग्राम्स चलाने वाला है, रेमेडियल कोर्सेज चलाने वाला है, ब्रिज कोर्स की मैंने बात कही, वर्कबुक्स हमारी डिजाइन होकर के आ गई हैं। इसी तरह हम कई सारे जो संस्थाएं हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, कॉरपोरेट बॉडीज हैं, उनके साथ MOU कर रहे हैं। उन MOU के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी और जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी निश्चित रूप से रिकवरी की जाएगी। और राज्य सरकार का और शिक्षा विभाग का माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में ये प्रयास रहेगा कि जितना नुकसान बच्चों का हुआ है उस नुकसान की भरपाई करें और एक जो ग्रेड लेवल की जो कॉम्पिटेंसी है वो हम बच्चों को दे पाएँ, इस दिशा में शिक्षा विभाग निरंतर प्रयासरत है। मैं अभी पिछले महीने ही शिक्षा मंत्रियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद गया था, जिसमें पूरे देश के शिक्षा मंत्री महोदय और एजुकेशन सेक्रेटरीज आए थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे। हमारे मंत्री महोदय अपरिहार्य कारणों से नहीं जा पाए थे, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, जो प्रगति हुई है, जो अचीवमेंट्स हुए हैं, उन सब की वहाँ पर भी भरी भरी प्रशंसा की गई। तो एक बार मैं पुनः सभी बच्चे जो कि उत्तीर्ण हुए हैं और जिन्होंने अच्छे मार्क्स भी लाए हैं उनको धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि उन्होंने जो लक्ष्य अपने जीवन के लिए निर्धारित किया है किसी भी पेशे में जाने का, जैसे मंत्री महोदय ने बनाया कि कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहेगा, कोई आर्ट्स में जाना चाहेगा, कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहेगा। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपरफास्ट।